हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पे। और मैं हूँ श्याम आलम। आज लेकर आया हूँ नरेशन का फोर्थ क्लास। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा बेसिक आपको बता दिया था और चेंज करना भी सिखा दिया था, पर्सन चेंज करना। ठीक है, आज के क्लास में टेंस चेंज करना सीखेंगे, टेंस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और शेयर भी करते रहेंगे वीडियो को अच्छा लगे तो, और लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टेंस चेंज करना है हमको, टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल को कहाँ चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल आपका कहाँ चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कहाँ चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहां चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। तो ये रहा इसका इसमें, इसका इसमें, या ऐसे कहिए ना, प्रेजेंट सिंपल का पहला जो होगा प्रेजेंट सिंपल का, वो पास्ट सिंपल के पहला में जाकर चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा पास्ट के दूसरा में, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस में जाकर चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरा में, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट का चौथा पास्ट के लास्ट में, चौथा में। ठीक है, क्लियर ना? तो ऐसे 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 ये इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, उंगली पर ही हम लोग को। नहीं, चलिए देखते हैं। ही सेड टू मी आई टीच यू, ही सेड टू मी आई टीच यू, इसका बनाना है इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। देखेंगे ये आपका प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म है ना, वी वन है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, बनाना है इसको। तो ही, उसके बाद सेड टू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो यहां क्या हो जाएगा? टोल्ड, टोल्ड मी। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा? दैट आएगा, दैट लगाया। आई, आई कौन सा पर्सन है जी? आई कौन सा पर्सन है? मैंने सिखाया था चेंज करना वन टू थ्री पे, ये फॉर्मूला है सन वन टू थ्री। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है? ये भी मैंने बताया है बेसिक में सब, तो आपका ही है। और ये जो केस में होगा, अगले को भी चेंज करके वही केस में लाएंगे। तो यहां पर आई को कहां चेंज करेंगे? ही में। अब ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल कहां चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो टीच का वी टू क्या होगा? टॉट, टॉट लिखा मैंने यहां। यू, यू कौन सा पर्सन? मैंने बताया था पहले पर्सन चेक करेंगे फिर केस को चेक करेंगे। तो पर्सन यू आपका कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, आपका टारगेट बना मी पे। लेकिन रूल है ये जो केस में होगा, अगले को भी चेंज करके वही केस में
लाना होगा, नहीं। तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आफ्टर वर्ब वर्ब के बाद आया है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है ना, तो यहां पे मी का मी ही हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द बॉय सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड टोल्ड मी, द बॉय टोल्ड मी दैट। अब आगे देखते हैं, यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और आपका इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, आपका टारगेट कहां बना, मी पे। अब चेक करना है केस, अभी यू कौन केस में है, तो स्टार्टिंग में आया है, आर से पहले आया है, वर्ब से पहले आया है, तो ये सब्जेक्टिव केस है ना। तो जब टारगेट आपका मी है, तो रूल है जो ये केस में रहेगा तो अगले को भी चेंज करके वही केस में लाएंगे। तो जब यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, सही है। अब ये कौन टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कहां चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, इट मींस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर, तो यहां क्या हो जाएगा, वाज बीटिंग। अब मी की बारी है, और मी आई से फॉर्म हुआ है, मी तो आई से बना है, तो आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसकी अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहां पर कौन है आपका, बॉय, तो बॉय के लिए प्रोनाउन ही किसे, तो ही, तो अभी मी जो है आपका कौन केस में है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि बीटिंग वर्ब के बाद आया है, तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो बॉय के लिए प्रोनाउन जब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, मैंने केस में सब लिखवाया है केस में, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, हिम बन गया इनडायरेक्ट, देख रहे हैं ना कैसे पर्सन चेंज कर रहे हैं, कैसे टेंस चेंज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं राधा का, राधा टोल्ड करेंगे मी, इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे, अब ही को कहां चेंज करेंगे, अच्छा ही आपका फर्स्ट पर्सन है, नहीं, सेकंड पर्सन है, नहीं, थर्ड पर्सन होगा, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। अब टेंस पता नहीं कौन टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कहां चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैज के ऊपर हैड हो जाएगा, हैड कर दिया मैंने, टॉट का टॉट, मी, मी आई से बना है, और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आपका कौन है, राधा, तो राधा के लिए प्रोनाउन ही किसी, तो शी, तो अभी मी आपका कौन केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो रूल है जो केस में अगला रहेगा तो अगले को जब लाएंगे तो उसको भी उसी के केस में चेंज करके लाएंगे, तो जब मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, गुड, हर, हाँ सही है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पर है, टेंस पर देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं, देखिए अगला है रोहन से सेड टू मी, तो रोहन का रोहन टोल्ड में चेंज करेंगे, मी लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा, दैट, आपका यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो आपका टारगेट कहां बना, मी पे। अब चेक करेंगे यू अभी कौन केस में है, तो सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि हैव से पहले आया है, तो रूल है कि जो केस में अगला रहेगा और जो जिसको लाएंगे उसको भी उसी के केस में चेंज कर लाएंगे, ठीक है, तो मी आपका अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, ठीक। अब टेंस बचानी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लग रहा है, तो कहां चेंज करेंगे, लिखा भी हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, हैव का हैड, बीन, सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, चेंज कर दिया।
आज मैंने सिखाया प्रेजेंट टेंस का जो भी है, फोर काइंड्स है ना जी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैंने इसको चेंज कर दिया। और अगले क्लास में सिखाएंगे पास्ट टेंस चेंज कैसे करना है, और भी उसका रूल आगे का, इंट्रोगेटिव क्या क्या, इंपरेटिव सब बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में मैंने सिखा दिया आपको टेंस चेंज करना, और इससे पहले मैं सिखाया था पर्सन चेंज करना, नहीं अब इससे पहले बेसिक, तो जो नहीं देखे होंगे वो पहले का बेसिक देख लेंगे, बहुत इजी है, इतना अच्छा से मैंने समझाया है किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखना आप लोग नहीं भूलेंगे, और इसको आप लोग देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और जो न्यू जो व्यूअर होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। और एक जरूरी बात आपके लिए, उतने से कमेंट में आ रहा था बार बार कि आपका पेड क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यही 20 तारीख से आपका पेड क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये 20 तारीख से आपका पेड क्लास स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपका डेमो चलेगा उस दिन से आप डेमो देखिए मेरा, है ना, उस दिन आप देख लीजिए कैसा हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो 20 तारीख से आपका डेमो क्लास पेड क्लास का चलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप का यहाँ पर, है ना, और वहाँ से आपका लिंक ऐड हो जाएंगे, और जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब टाइम दूर नहीं है, वो एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम जो भी वीक स्टूडेंट्स होंगे सबको समझ में आएगा, एकदम बेसिक से नाउन, तो पूरा नाउन बेसिक, पूरा नाउन, फिर उसका क्वेश्चन बनाया जाएगा, है ना, तब कंप्लीट, फिर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का पूरा रूल समझाऊंगा, और फिर क्वेश्चन बनाना होगा उससे, फिर एडजेक्टिव, तो पूरा एडजेक्टिव ऐसे पढ़ाया जाएगा दम, ठीक है। तो आप लोग रेडी भी हैं, और क्या बोला जाता है, जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे कमेंट में आप जवाब देंगे उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।